Remember. Hi, मेरा नाम है यश दुबे, वेलकम टू एथलेटिक इंडिया। अगेन आपके लिए एक बहुत ही अच्छी एथलेटिक ट्रेनिंग की बात मैं लाया हूँ। सबसे पहले हमें ये पता है कि अगर हम एक एथलीट की तरह ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि हम हमेशा खड़े होकर ट्रेनिंग करें। हमें अगर हम बैठ के कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर ज्यादा मशीन वर्क कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं चीजों को, तो वो एक एथलेटिक ट्रेनिंग में नहीं आता, क्योंकि एक एथलीट को अपनी मसल सारी एक साथ यूज करनी होती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो आइसोलेट करके बैक यूज कर रहा है। अगर आप बैक यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी बाइसेप्स और आपके फोरआर्म साथ में यूज हो रहे होंगे। ऐसी अगर आप अपनी चेस्ट यूज कर रहे हो तो आपके ट्राइसेप्स और आपके शोल्डर एक साथ यूज हो रहे होंगे। अगर आप अपने लेग्स यूज कर रहे हो तो आपकी पूरी बॉडी एक साथ यूज हो ही रही होगी। तो इसलिए एथलेटिक ट्रेनिंग का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा मेरे लिए और मोस्टली एथलीट्स के लिए भी यही रहा है कि हमेशा हमें खड़े होके डंबल या फिर जो है अपने बारबेल से वर्क्स करने चाहिए, ना कि मशीन पे जाके आइसोलेटेड एक्सरसाइज लगा लेना चाहिए। पर क्या इसका मतलब ये है कि मशीन एक्सरसाइज सारी बुरी की बुरी हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं खुद मशीन एक्सरसाइज लगाता हूँ। जैसे कि मैं बेंच प्रेस, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि आप अपनी चेस्ट को पुशअप से ओवरलोड नहीं कर सकते अगर आप एक पॉइंट ऑफ फिटनेस से अबव पहुंच चुके हो, यानी कि अगर आपकी फिटनेस काफी अच्छी हो चुकी है तो आप अपनी चेस्ट को ऑब्वियसली जो है पुशअप्स के साथ ओवरलोड नहीं कर पाओगे, काफी मुश्किल होता जाएगा। पर बेंच प्रेस बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है आपके लिए अपनी चेस्ट को ओवरलोड करने के लिए। ऐसे ही लैट पुल डाउन आपकी जो है बैक को बहुत अच्छा ऑप्शन होता है ओवरलोड करने के लिए, क्योंकि बैक को आइसोलेट कर रहा है। वहीं अगर आप पुलअप्स लगाते हो तो पुलअप्स में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। आपको अपना पूरा बॉडी वेट ऊपर खींचना होता है। हो सकता है कि आप इस लेवल ऑफ फिटनेस में नहीं हो कि आप एक रिस्पेक्टेबल नंबर ऑफ पुलअप्स लगा पाओ, तो लेट पुल डाउन काफी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। पर इतने अच्छे ऑप्शंस हैं, पर बात वही है कि आपको बेंच प्रेस लेट के लगानी पड़ेगी और ऐसी आपको लैट पुल डाउन जो है बैठ के लगाने पड़ेंगे। और अगर आपको एक एथलीट की तरह ट्रेनिंग करनी है तो ये दोनों सबसे बड़े पाप हैं। जी हाँ, पाप है ये पाप। और पाप के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रायश्चित। तो प्रायश्चित हम कैसे करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं हमेशा क्या करता हूँ, और मैं हमेशा वही सजेस्ट करता हूँ जो मैं अपनी ट्रेनिंग में करता हूँ। तो अगर कोई थोड़ा सा इधर से आके दिखाए, तो अगर मैं लैट पुल डाउन का एक सेट लगा रहा हूँ, तो मैंने लेट पुल डाउन अपने जितने भी हैं लगाए, हमेशा मैं क्या करता हूँ, लेट पुल डाउन को एक सुपर सेट बना लेता हूँ। कैसे बनाओगे? अब मैं अपने लेट पुल डाउन लगाए जितने भी आप लगा सकते हो अच्छे फॉर्म के साथ पूरे, जैसे आपने मान लो ये आपके लास्ट हो गया, ठीक है। अब आपने लेट पुल डाउन वापस रख दिया, मशीन वापस रख दी। अब आप नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इसके बाद रेस्ट करते हैं, बैठ के रेस्ट करते हैं। पर अगर आपको एक एथलेटिक ट्रेनिंग करनी है और इस पाप का आपको प्रायश्चित करना है, तो आप वो कैसे करोगे? आप फटाफट भाग कर आओगे, रेस्ट नहीं लोगे, लेट पुल डाउन को आप एक सुपर सेट बना लोगे। किस चीज का? पुलअप्स का या फिर चिन अप्स का, जिससे कि आपकी एथलेटिक ट्रेनिंग इन्वॉल्व हो गई उसी एक्सरसाइज में। तो अब आप अपने पुलअप्स लगा लोगे, जितने भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर आप लैट पुल डाउन लगा रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको सुपर सेट बनाना है। आपने लैट पुल डाउन लगाए, आप आगे पुलअप्स लगाओ, चिनअप्स लगाओ, आप पे पुलअप्स नहीं होते तो आप ये लगा लो, कोई भी एक बार लो, स्क्वाट रैक में आपका ये बार बहुत इजीली प्रेजेंटेबल, बहुत इजीली अवेलेबल होगा। उसके बाद अगर आप पे पुलअप्स नहीं होते तो आप ये लगाना, बॉडी रेजेस लगाना शुरू कर दो, ठीक है। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिन पर पुलअप्स नहीं होते इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। तो आपको क्या करना है, उस पाप का आपने लेट पुल डाउन क्योंकि बैठ के लगा रहे थे, उस एक्सरसाइज को एक एथलेटिक कन्वर्जन कैसे दिया हमने, जाके सीधे अपने पुलअप्स लगा लिए, तो सुपर सेट बना लिया। सिमिलरली आप चेस्ट के लिए क्या कर सकते हो, चेस्ट के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप बेंच प्रेस लगा रहे हो, ठीक है,
तो अगर आप बेंच प्रेस लगा रहे हो बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है, आपकी पूरी चेस्ट की जो है ट्रेनिंग कर देगी। तो आपने बेंच प्रेस लगाई, आप जितने भी सेट लगा सकते रैप्स लगा सकते थे आपने लगाए और वापस रख दी। इसके बाद क्या करोगे, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, नॉर्मली लोग रेस्ट लेते हैं इसके बाद, पर हम क्या करेंगे क्योंकि हम एक एथलीट है और हमको अपने गेंस फास्टर चाहिए, हम इसके बाद रेस्ट लिए बिना पुशअप्स लगाएंगे। पुशअप्स लगाने शुरू कर दिए क्योंकि पुशअप्स एक एथलेटिक एक्सरसाइज है और जो सिन यानी कि पाप हमने बेंच प्रेस लगा के किया था लेट के एक्सरसाइज लगाने का, उसका हम प्रायश्चित ऐसे करेंगे पुशअप्स लगा के। तो आपका जो है दो एक्सरसाइज इन वन यानी कि सुपर सेट हो गया, लैट पुल डाउन के साथ भी हो गया, इसके साथ भी हो गया, बेंच प्रेस के साथ भी हो गया पुशअप्स का। तो अब आपको लैट पुल डाउन के साथ पुलअप्स का, बेंच प्रेस और बेंच प्रेस के साथ पुशअप्स का, पर यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप लगा सकते हो। आप लैट पुल डाउन के साथ हमने बारबेल रोज या फिर डम्बेल रोज लगा सकते हो, ऐसी आप पुशअप्स के साथ अपने सुपर सेट में डिप्स लगा सकते हो। डिप्स बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, डिप्स आप लगाओ, बहुत ही एथलेटिक एक्सरसाइज है, आप अपनी पूरी बॉडी को एक साथ पुल कर रहे हो तो आप डिप्स लगा सकते हो। डिप्स की जगह आप क्या कर सकते हो, आपको आपके पास केबल क्रॉसओवर्स हैं तो आप केबल क्रॉसओवर्स भी लगा सकते हो। अगर आपके पास केबल क्रॉसओवर्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप डंबल क्रॉसओवर्स लगा सकते हो, आप डंबल क्रॉसओवर्स भी काफी इफेक्टिव होते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन शॉर्ट मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज बैठ के लगा रहे हो या फिर लेट के लगा रहे हो तो अगर आपको एक एथलेटिक कंप्लीट ट्रेनिंग चाहिए तो उसके साथ बस एक ऑप्शन, एक सुपर सेट बनाओ उसको और एक एथलेटिक एक्सरसाइज यानी कि पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, ऐसी एक्सरसाइज जोड़ दो जिससे कि वो कंप्लीट एक्सरसाइज जो है बहुत ही अच्छी एथलेटिक ट्रेनिंग में बदल जाए। तो थैंक यू आज की वीडियो। पूरी वीडियो देख लिया, सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करो।